खड़े हो जा यार। विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में रिकार्ड सरकारी नौकरियां दी गई, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया। सच्चाई ये है कि सरकार की जो भर्तियां हैं, अभी ये देखिए पोस्टर ये है कि ये लोग अभ्यर्थी हैं, पुलिस भर्ती 2015 की, उसमें 3500 पद अभी भरे नहीं गए हैं। इसी तरह शिक्षा जो विभाग है उसमें पदों की संख्या घट गई है। जो सहायक अध्यापक बने थे शिक्षा मित्र 1,37,000, वो बर्खास्त थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उनको भी अभी नहीं भरा गया है, कोई नई भर्ती नहीं हुई है। यही हाल टेक्निकल का है, राजकीय विद्यालयों का है, विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आप सबको पढ़े हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का ये हाल है कि 70% पद अध्यापकों के शिक्षकों के खाली हैं। यही हाल पूरे देश में है, राज्य विश्वविद्यालय ये कल हम लोगों ने परमिशन मांगा था बालसन चौराहे पर, वहाँ पुलिस छावनी बना दिया गया, परमिट नहीं किया गया। बाद में बहुत सारा दबाव में, आप सबके दबाव में यहाँ परमिट किया गया है, पत्थर गिरजाघर में यहाँ देवयानी धरना चलेगा। और ये रोजगार के अधिकार की लड़ाई हमने समाज के सब तबकों से कहा है, कब तक चलेगा ये अनिश्चितकालीन है। जिस तरह से हमारी कोशिश है, सभी समाज के सभी तबकों से हम संपर्क कर रहे हैं, वकीलों से, बुद्धिजीवियों से, जिस तरह से किसानों का आंदोलन चल रहा है, 9 में 10 महीने हो गए होने को है, उसी तरह युवाओं का आंदोलन, सारे संगठन सारे तबके मिल करके रोजगार की लड़ाई को तेज करना है। और जब तक ये रोजगार का सवाल हल नहीं हो जाता है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। और हम लोग किसान आंदोलन का भी समर्थन कर रहे हैं, या जो भी और भी मुद्दे हैं महंगाई से लेकर के, जो भी समाज के मुद्दे हैं उनका भी यहाँ लगातार प्रस्ताव पास कर रहे हैं। मैं बेरोजगार बेरोजगार युवाओं की समस्या आप सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध करते हैं कि इनकी समस्या को सुने तथा इनके समर्थन में आप लोग इनका सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।